हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? भगवान की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। और काफ़ी दिन बाद हमारा जो है आमने सामने बातचीत हो रही है। मुझे तो काफ़ी खुशी हो रही है आप लोगों से बात करके। मैं भी आशा करती हूँ आप लोग भी मुझे देख के उतना ही खुश हो पाएँ। हाँ, और एक बात क्लियर करना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को मुझे मतलब मेकअप में देखना अच्छा लगता है तो वो आप ख्वाहिश रखते हैं तो सॉरी फ्रेंड्स, मैं उसके तो सोची लिए हूँ लॉन्ग वीडियो अभी लगातार पोस्ट करूँगी आप लोगों के लिए। काफ़ी गैप हो चुका है, बच्चे रहते हैं घर में, घर का काम भी रहता है और बड़े बुजुर्ग हों तो घर में वो अलग बात है, वो भी काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाता है, तो आप समझ सकते हो फ्रेंड्स। तो हाँ, कुछ कुछ खास वीडियो में मैं मतलब भरपूर मेकअप टिप्स ट्रिक्स या फिर आप उस लुक में देख सकते हैं मुझको। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये मेरा मेकअप वाला कुछ वीडियो नहीं है, अपडेट नहीं है, इसके लिए मैं इस तरह का लुक में आ गई आप लोगों के सामने। तो आदत हो जाए तो अच्छी बात है, मैं जैसे दिखती हूँ वैसे ही आना चाहती हूँ आप लोगों के सामने। तो चलिए फिर आज का जो है मेरा थीम है, कुछ स्टिचिंग रिलेटेड कुछ टिप्स मैं देना चाहती हूँ। जैसे कि हम कुछ ड्रेसेस लेके आते हैं मार्केट से, तो वो हमेशा तो स्टिचिंग वाला ड्रेस तो आपको हमेशा फिट ही आएगा, लेकिन जो हम रेडीमेड ड्रेस लेके आते हैं, कुछ बड़ा रहता है, कुछ छोटा रहता है, छोटा तो नहीं रहेगा हमेशा, बड़ा ही कुछ ना कुछ तो यहाँ से कुछ होगा तो यहाँ से कुछ होगा, नीचे से कुछ होगा, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम निकलता रहता है, तो उन सब को हमें ठीक करके पहनना होता है। ऐसे तो जैसे लाए वैसे तो डाल नहीं सकते हैं ना, तो उसको फिट करके, हाँ कई बार ऐसा होता है तो कुछ लोग ऐसे ही पहन लेते हैं। प्लीज़ प्लीज़ आप लोग ना ऐसे पहना मत करो, जो भी लाओ अपने फिटिंग के हिसाब से फिट करो, उसके बाद आप पहनो, तो वो ना आपको एक बहुत अच्छा लुक देगा। क्यों दूसरों के सामने दिखाना कि नहीं हम तो भाई जैसे हैं वैसे रहेंगे, ठीक है। आप तो मत दीजिए लोगों को कि आपको उंगली दिखा के ये कहें नहीं इसको तो कुछ पता नहीं है, तो आप लोगों को सब कुछ पता है, पर आप लोगों को क्या है ना, वक्त की कमी रहती है, तो मैं समझ सकती हूँ उसके वजह से आप कुछ भी डाल देते हो चले जाते हो, ठीक है ये भी ठीक है, बट खुद के मामले में भी थोड़ा ध्यान दीजिए, तो ये भी ज़रूरी है दुनिया के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए। टिप्स दे देती हूँ, तो मैं दिखाऊंगी क्या करूंगी, क्या करने वाली हूँ मैं, एक्चुअली खुद को नॉलेज होने से टेलर को गाइड कर पाएंगे। हाँ, अगर आप खुद करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आपके पास वक्त है, आप खुद अपने लिए सब सेट करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इससे ज़्यादा तो खुशी की बात और कुछ हो नहीं सकते। अपने कंफर्टेबल के हिसाब से आप जो करना है कर सकते हो, और बाकी रहा अगर आपके पास वक्त की कमी है, आप टेलर को देना चाहते हो तो आप गाइड कर सको, तो यही मेरा मोटिव है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक रेडीमेड शरारा पैंट है मेरा, जो कि काफ़ी बड़ा है। फ़िलहाल मैं शूज़ नहीं पहनी हूँ, शूज़ पहनने के बाद भी ये शूज़ के नीचे आता है, चला नहीं जाता है। और ये देखिए, ये दूसरा है एक स्कर्ट, ये भी रेडीमेड स्कर्ट है, ये भी देखिए काफ़ी बड़ा है। मैं इसको स्कर्ट की तरह यूज़ करना चाहती हूँ, लहंगे की तरह नहीं। इसको इसके डिज़ाइन को बिना चेंज किए किस तरह से हम छोटा बनाते हैं, चलिए देखते हैं। इस पैंट को देखिए, देखिए मैंने इस तरह से डाल दिया है, नीचे अगर छोटा करना है, मैं डायरेक्ट कट करके अगर छोटा कर दूं तो ये डिज़ाइन कट हो जाएगा, तो इसीलिए मैं बीच का हिस्सा ही छोटा करूंगी। जितना छोटा करना है व्हाइट वाले हिस्से को छोटा करके फिर से नीचे वाला हिस्सा उससे जोड़ दूंगी, परफेक्ट लुक आ जाएगा। ये स्कर्ट को अभी देखिए, इसका भी डिज़ाइन बिल्कुल से चेंज नहीं करना है, बट छोटा करना है हमें, तो ये अगर खुल जाएगा तो जोड़ने में काफ़ी दिक्कत है। इसके लिए हमें अंदर की तरफ से उसका प्लीट रहते हुए कट कर देना है, और उसके बाद जितना हिस्सा हमें छोटा करना है उतना पर्शन इस कपड़े का छोटा करेंगे, और उसके बाद इस प्लीट के पर्शन को ऊपर लेके हम उसके ऊपर सेम मैचिंग धागे से स्टिच कर देंगे, एकदम परफेक्ट लुक आ जाएगा, कुछ भी पता नहीं चलेगा।
अभी देखिए स्टिचिंग होने के बाद मैं ये सरारा पेन डाली हुई हूँ, बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। शूज़ मैंने पहना हुआ है अभी, तो इतना ज़्यादा छोटा मैं की नहीं हूँ, बट अच्छे से मैनेज हो जा रहा है। आपको शायद देख के पता भी नहीं चल रहा होगा, यहाँ पे कुछ काट कूट के कुछ स्टिचिंग वगैरह किया गया है। तो यही तो ट्रिक्स है, मतलब स्टिचिंग का ट्रिक्स। तो ये दूसरा वाला स्कर्ट देखिए, बहुत अच्छे से मैनेज हो रहा है। देखिए मैं तो इसमें डांस वगैरह सब कुछ कर सकती हूँ, ये लहंगे की तरह मतलब संभालना नहीं पड़ रहा है दोनों हाथ से उठा के। तो फिर इतने में ही ख़त्म करती हूँ मैं अपना वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आप तक पहुँच जाए। थैंक यू, बाय।